जी प्रोग्राम में खुश आमदेद। प्रैक्टिकल शूटिंग निशानेबाजी इस पर बात हो रही है। हमजा जाहिद खान, आप मुझे बता रहे थे वॉक जो पूरा करके आप शूट करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। प्रैक्टिकल शूटिंग में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें आप खड़े हुए नहीं हो, उसमें आपने या तो आप चलते हुए टारगेट को हिट कर रहे हो, चलते हुए दो तीन टारगेट्स को हिट कर रहे हो, चलते हुए आपने मैगज़ीन चेंज करनी है अपनी, तो ये चीज़ आ जाती हैं। कुछ होता है टारगेट्स मूव कर रहे होंगे किसी में, तो दिस स्पोर्ट इज़ अ कंपैरिजन ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी बोथ। और डिफरेंस सिर्फ इसमें यह है कि आप खड़े हुए नहीं हो एक जगह पर और आप आराम आराम से एक टारगेट को नहीं हिट कर रहे हो, आप मूविंग में आप कर रहे हो, तो इसमें थोड़ा सा और एंटरटेनमेंट आ जाती है। जी जो मूव वाला है, एक जो स्ट्रेट वॉक की थी, इसका कुछ टाइम है कि इतनी देर में आपने कर? नहीं नहीं, टाइम नहीं है, इट्स जस्ट एज फास्ट एज यू कैन डू इट। इसमें इसमें आपको एक स्टेज दे दी जाती है कि भाई ये स्टेज है, ये बैरिकेड है, ये टारगेट्स हैं, और आपने इस स्टेज को इस तरह करना है। तो जितने भी शूटर्स होते हैं वो खड़े होते हैं, देख रहे होते हैं, अच्छा इस स्टेज को हमें इस तरह करना है। अब नाउ हूएवर डज इट द फास्टेस्ट एंड विद द बेस्ट एक्यूरेसी ही विंस। अच्छा, एक चीज़ और मैंने यहाँ नोट की, आपके पीछे साहब खड़े होते हैं और वो आपको कमांड दे रहे हैं। सबसे सीम्स लाइक अ वेरी डिसिप्लिन्ड, बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, दो तीन कमांड्स हैं हमारी। जब शूटर रेडी होता है तो उसकी गन लगी हुई होती है साथ, मैगजीन लगी हुई होती है, जो पीछे उसका बंदा है वो रेंज ऑफिसर जो होगा वो आपको कमांड देगा शूटर रेडी। तो शूटर रेडी में उस बंदा है सू नॉट दैट यस ही इज़ रेडी टू डू द स्टेज, स्टैंड बाय में वो ही इज़ रेडी एंड ही इज़ वेटिंग फॉर द सिग्नल। और जैसे ही उसको एक टीट वाला सिग्नल मिलता है या फायर या जो भी सिग्नल हो, उसमें ही हैज़ टू स्टार्ट एंड ही डज द ड्रिल। एंड आफ्टर ही हैज़ डन द ड्रिल, सबसे इम्पॉर्टेंट, ड्रिल ख़त्म होने बाद उसका जो चेंबर है वो ओपन होना चाहिए एंड ही हैज़ टू शो क्लियर। पीछे साइन आएगा शो क्लियर, तो ही हैज़ टू शो द गन दैट येस इट इज़ क्लियर, एमओ कोई नहीं उसमें, गन सेफ है, सो दैट एवरी वन अराउंड इज़ रिलैक्स। तो सेफ्टी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर दिस। सीज़ फायर का वर्ड भी मैंने सुना। सीज़ फायर होता है जब हम प्रिसीजन शूटिंग कर रहे होते हैं, प्रिसीजन शूटिंग में सब खड़े होते हैं, सीज़ फायर में द गन हैज़ टू बी सेफ। All those people in the line जो shoot कर रहे हैं, they have to put their gun on the table safely. Chamber पीछे, magazine out और gun table पे, ताकि ceasefire पे बंदा जाता है, targets check करता है अपने, नए targets लगाता है, whatever जो भी situation है, या for example God forbid कोई mishap हो रहा है या कोई gun फंस गई है किसी की, तो एक ceasefire call करेगा just for safety, so that all the shooters put their gun on safe. एक gadget मैंने आपके पास पिछली बार देखा था, बिल्कुल बिल्कुल, वो timer है, इट्स अ टाइमर, वो आपका एवरी सेकेंड जो शॉट फायर कर रहे होते हैं उसको टाइम करता है। अच्छा, ये आपने एक वॉक तो स्ट्रेट वॉक हो गई, फिर ये सारी कॉल्स हो गई, इसके अलावा आप इस तरह मूव भी कर रहे थे। वो एक ड्रिल है हमारी जिसमें आप प्रैक्टिस करते हो अपनी मूवमेंट्स एंड शूटिंग एट द सेम टाइम। उसमें आपने देखा होगा मैं सीधा जा रहा हूँ, राइट जा रहा हूँ, बैक जा रहा हूँ, आई रीलोड द गन, सीधा, लेफ्ट एंड बैक। इसमें आपके सारे एस्पेक्ट्स ऑफ वॉकिंग, सीधा जाना, राइट जाना, लेफ्ट जाना, एक दूसरे टारगेट पे हिट करना, मैगजीन रीलोड करना, ये सारी जो प्रैक्टिसेस है ना जो आपको प्रैक्टिकल शूटिंग में एक्सीड करने के लिए प्रैक्टिस करनी है, वो इस ड्रिल में आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाती है। कॉम्पिटिशन जो होता है इंटरनेशनली जी, वो इन मुख्तलिफ कैटेगरीज में होता है कि आपको मूवमेंट वाले? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स में आपको टारगेट्स देंगे, डिफरेंट मूविंग टारगेट्स होंगे, कुछ टारगेट्स होंगे जो थोड़ी देर के लिए दिखेंगे चले जाएंगे, कुछ टारगेट्स होंगे जैसे थोड़ी देर के लिए वेव कर रहे होंगे, यू नो, तो इंटरटेनमेंट ले आए हैं इस पिस्टल शूटिंग एंथुसियास्ट, जितने भी इनको पिस्टल का शौक है उनके लिए एक इंटरटेनमेंट आ गई है, कॉम्पिटिशन आ गया, थोड़ा सा थ्रिल आ गया कि यार यू नो आई एम नॉट जस्ट स्टैंडिंग, आई एम मूविंग एंड डिफरेंट टारगेट्स को हिट करना है, तो इनोवेशन इसमें आती है, इनोवेशन आ गई है थोड़ी सी। लोग आते हैं मेरे पास, बोलते हैं यार चलो इस तरह का स्टेज बनाते हैं जिसमें इस तरह का टारगेट्स हों, इधर टारगेट्स हों, तो यू नो पीपल आर स्टार्टिंग टू भी कर सकते हैं। हाँ, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल। एक मैंने देखी है जी कि आप किसी चीज़ के पीछे छुप रहे हो, बैरिकेड, बैरिकेड है, हम वो प्रैक्टिसेस हैं सारी, दीज आर ऑल ड्रिल्स कि आप अपना इसमें इम्प्रूवमेंट लाएं स्पोर्ट में। बैरिकेड के पीछे से शूट करना है, कुछ जगहों के बैरिकेड के बीच में कट होगा, उसके अंदर से मारना है अपने टारगेट को, तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, बहुत सारी वो इसमें आती हैं। एक बड़ा आपने अजीब सा मुझे नाम बताया था, एल प्रेसिडेंटे। एल प्रेसिडेंटे प्रैक्टिकल शूटिंग का वन ऑफ द मोस्ट सबसे फेमस एक स्टेज है जिसमें आपके आगे तीन टारगेट्स होते हैं और हर टारगेट पे आपने दो फायर करने हैं और आपके पास दो मैगजीन्स हैं।
तो होता ही है कि आप ऑन द साइन जैसी टीट होती है आप निकालते हो 1 2 3 4 5 6, आप गन रीलोड करते हो 1 2 3 4 5 6। तो ये एक बड़ा एंटरटेनमेंट वाला और प्रैक्टिस वाला, इसमें आप बहुत तेज़ आपने फायर मारने हैं तो इसमें स्पीड बहुत काउंट होती है और रीलोड आपने बहुत स्पीड में करना है। तो इसमें मेरे जो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, दे रियली इन्जॉय दिस स्टेज। अच्छा, रीलोड वाले स्टेप में आप मुझे दो चीज़ें बता रहे थे, एक आपने कहा कि मैगजीन को संभाल के रखना है जो खाली हो गया, हाँ वो उसको गिरा देना है। बिल्कुल, दो तरह के रीलोड होते हैं, एक होता है स्पीड रीलोड और एक होता है टैक्टिकल रीलोड। स्पीड रीलोड में आप जब फायर कर रहे होते हो, जैसे ही मैगजीन ख़त्म हो गई आपकी, तो आप मैगजीन को गिरा के छोड़ देते हो, आप यू डोंट केयर कहाँ जा रही है। दूसरे वाले में जो टैक्टिकल रीलोड है, उसमें थोड़ा सा और थ्रिल आया था कि यू नो, आप मैगजीन को छोड़ो नहीं, मैगजीन को पकड़ो, जेब में डालो वापस और दूसरी मैगजीन निकाल के आप लोड करो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा इंटरटेनमेंट आती है, ज़्यादा प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी होती है लोगों की, और बस ये दो तरह की रीलोड। सारी चीज़ें आपने समझा दी, सारी चीज़ें हमने कर दी। अब जो इससे मुश्किल है, जो इस स्पोर्ट में एंटर होने की जो मुश्किल है ना, ज़रा उस पर हम बात करें। बिल्कुल, जो हुकूमत की सतह पर है या जो हमारे हालात आपको पता है, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन काइंड ऑफ आपने बनाई हुई है, आप एक वेबसाइट भी उसकी मेंटेन करते हैं, किस तरह लोग इस स्पोर्ट में आ सकते हैं? फर्स्ट 3 स्टेप। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम उनको शूट ही नहीं किया, उन्होंने कभी फायर नहीं किया था गन का, और वो फर्स्ट टाइम हमारे पास आते हैं, और उन कुछ लोगों में नेचुरल होता है कि वो अच्छे होते हैं और इन्जॉय करते हैं। दे कम अप टू मी एंड से कि यार वी वॉन्ट टू स्टार्ट दिस स्पोर्ट, तो कैसे स्टार्ट करें? तो ज़्यादातर लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वेपन ख़रीदना मार्केट से, इट्स वेरी सिंपल, देयर इज नो डिफ़िकल्टीज, देयर आर नो कोई वो मुश्किलात नहीं है, कोई रोक नहीं करता आपको कोई गवर्नमेंट के तौर पे। जस्ट गो टू एन आर्म्स शॉप, आप पहले, सबसे पहले लाइसेंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप जाके लाइसेंस परचेज करोगे, लाइसेंस जैसे ही आपके पास आ जाएगा विद इन 1 वीक, आप जाके वेपन एक अच्छा सा ख़रीदो जो कि रिलायबल भी हो, सेफ भी हो, एंड कम टू आर रेंज एंड एंजॉय द स्पोर्ट। और आपको कांटेक्ट करें? बिल्कुल, हमें कांटेक्ट करें। हम नॉन मेंबर्स को भी वेलकम करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए हमें स्पेशल डिस्काउंट्स रखे हुए हैं ताकि ये एक प्रमोशन करें इसकी, और ऑब्वियसली इसके साथ साथ नॉलेज भी मिल रही है उनको, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेपन ले लेते हैं सेफ्टी के लिए, छतों पे जाके फायरिंग करते हैं, या यू नो ऑब्वियसली लिया हुआ तो उन्होंने इस्तेमाल तो करना है ना, पाकिस्तान में कोई जगह ही नहीं इतनी ज़्यादा जहाँ पे लोग लीगली इसको सेफली इस्तेमाल करें। दैट इज़ वाई इतने मिसहैप्स होते हैं यहाँ पर, हमने उनको एक जगह दे दी है कि यू डोंट नीड टू डू इट ऑन द रूफ, आप यहाँ पर आएँ, हम आपको प्रॉपर सिखाएंगे कि गन को हैंडल कैसे करना है सेफली, उसकी रिस्पेक्ट कैसे करनी है, और शूट कराते हैं। चलो एक ब्रेक लेता हूँ, फिर मज़ीद इस पर बात करते हैं। टेक अ ब्रेक।